नमस्कार। फिक्सेशन फॉर्म को लेकर सभी शिक्षकों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है। सबसे पहले इस वीडियो में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, और दूसरा जो ऑनलाइन भर रहे हैं उन्हें ऑफलाइन भरने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर पीओ महोदय कहते हैं तो उनके अनुसार आप ऑफलाइन फॉर्म भी अप्लाई करें। एक कन्फ्यूजन सभी शिक्षकों के मन में ये भी है कि फॉर्म को अप्लाई कब करना है। जब आपके 2 साल पूर्ण हो जाए उसके नेक्स्ट डे, जैसे 27 सितंबर को 2 साल हो जाते हैं, तो उसके नेक्स्ट डे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म फिल करें। इससे पहले नहीं होगा, ऑफलाइन वाले एक बार तैयार करके रख लीजिए, लेकिन ऑनलाइन आप इससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले देखिए कि ऑफलाइन फॉर्म जो है, जो 5 पेज का और 6 पेज का आपके चल रहा है फिक्सेशन के लिए, तो आप 5 पेज या 6 पेज जो भी आपको बोला जाए वो भर दीजिए। तो 5 पेज का फॉर्म जो है या 6 पेज का है, उसमें ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जो जो लगाने हैं वो इस प्रकार हैं। फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट है वो इस प्रकार लगाने हैं। सबसे पहले आपका 5 पेज या 6 पेज का फॉर्म, फिर नंबर 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का आदेश यानी डी ऑफिस से आदेश, उसके बाद विकास अधिकारी पंचायत समिति का आदेश, उसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति आदेश यानी CBO ऑफिस से, और उसके बाद वर्तमान पद पर ज्वाइनिंग, जिन्होंने PO स्कूल में ज्वाइनिंग ली है तो PO को ज्वाइनिंग, और उसके बाद स्कूल ज्वाइनिंग का ऑर्डर। तो ये 5 डॉक्यूमेंट और 4 डॉक्यूमेंट जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके पश्चात आपके पास जैसे फॉर्म 10 भी मांगा जा सकता है, या कहीं जगह पुलिस वेरिफिकेशन उस टाइम नहीं दिया था तो उसकी प्रतिलिपि है तो अब भी लगा दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अटैच करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं इस फॉर्म में जो पॉइंट्स आपके पजल्ड हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो है 15 नंबर पे, नियुक्ति का प्रकार, अंग्रेजी में भरें वो परमानेंट और हिंदी में इसे स्थाई भरें। उसके पश्चात वर्तमान वेतन व वेतन श्रृंखला, वर्तमान वेतन जो है 2700 और वेतन श्रृंखला है L10। उसके पश्चात पॉइंट 20 और 21 जो रिश्वत वाले हैं उन्हें फिलअप करना है, और 22 नंबर बिंदु है भर्ती का विवरण, आपने रीट किया है या RTET तो यहाँ रीट 2012, 2013, 2016, 2017 जो भी है फिल कर दीजिए, और उसके बाद RTET के या रीट के जो रोल नंबर हैं वो यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, किस भर्ती में चयन हुआ वो लिखें, और उसकी एप्लीकेशन आईडी, जो फॉर्म फिल किया था उसकी आईडी लिखनी है। उसके पश्चात जिला स्तरीय मेरिट क्रमांक, जो टोटल सेलेक्ट हुए थे उनमें से आपकी मेरिट क्या है वो फिल कर दीजिए। उसके बाद CBO PO संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र है, तीनों का ही साइन होंगे यहाँ नीचे दे रखा है। और उसके पश्चात शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक होता है BA BEd BSTC प्लस 2 जो भी हैं सारी फिल कर दीजिए। और उसके पश्चात जो है यहाँ सेवाकाल के प्रथम वर्ष के लिए आकस्मिक अवकाश यानी 2 सालों का विवरण देना है आपको, जिस डेट को आपने 1 साल में ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग का है, ये सितंबर 2018 में ज्वाइनिंग है तो सितंबर 2018 से सितंबर 2019 और फिर सितंबर 2019 से सितंबर 2020, इस प्रकार आपको गणना करनी है। और उसके पश्चात आकस्मिक अवकाश कैलेंडर भी दिया गया है, इसका सितंबर 2018 से 30 जून 2019 तक, फिर 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक, उसके पश्चात 1 जुलाई 2020 से सितंबर 2020 तक, इस प्रकार आपको यहाँ गणना करनी है। और उसके पश्चात इनमें से कोई भी अवकाश लिया है तो यहाँ उसके डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं, जैसे अवैतनिक अवकाश है, तृतीय अवकाश है या मेटरनल है तो उनको साथ में डॉक्यूमेंट अटैच भी करने हैं। अवैतनिक अवकाश तृतीय श्रेणी अध्यापकों का DO महोदय द्वारा अप्रूव्ड होता है, और सेकंड ग्रेड का ZD द्वारा यानी जॉइंट डायरेक्टर, और फर्स्ट ग्रेड का डायरेक्टर द्वारा। और यहाँ इसके अलावा जो CL है इनमें से लिए उनके डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जो आप CL लेते हो 1 साल की 15 उनके डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करने हैं। और उसके बाद परीक्षा परिणाम है 2 वर्षों का 2018-19 और 2019-20, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र। तो ये था ऑफलाइन प्रक्रिया, अब बात करते हैं ऑनलाइन की। आप लॉगिन आईडी जो है वो ओपन कर लीजिए, और यहाँ 3 लाइनें दिखाई दे रही है उसको क्लिक करें, और यहाँ फॉर्म्स दे रखा है इस पर क्लिक करें, और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज है इसको क्लिक करें, और उसके बाद फॉर्म्स पर क्लिक कर दें। जब 2 साल पूर्ण हो जाए उसके नेक्स्ट डे अप्लाई करना है, उससे पहले ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे ये इंटरफेस खुले तो कन्फर्मेशन फॉर्म जो है इसको क्लिक करें, यहाँ आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। नंबर 1 कार्मिक का नाम और एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है, उसके बाद 2 नंबर पे मूल पद,
लेवल टू और विषय आ चुका है। और तीन नंबर पे नियोक्ता अधिकारी का चयन करें। नियोक्ता अधिकारी तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए जो लास्ट दे रखा है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय होता है, और सेकेंडरी वालों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय होता है। तो इस प्रकार आप इसको फिल करें। और आगे चार नंबर पर जिला का चयन और पाँच नंबर पर मेरिट नंबर। मेरिट नंबर की सभी शिक्षकों को दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जहां बेल आइकन शो हो रही है उसको क्लिक करें और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको भेजे जा सके। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें और शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि रोज़ाना नए अपडेट मिल सकें। ये फॉर्म 10 को आप अगर आपने सही भी भर रखा है तो भी आप एक बार अनलॉक करके लॉक कर दीजिए, यहाँ पे मेरिट नंबर आ जाएगा। और जो 5.1 है रिवाइज वालों के लिए है, जिनका रिजल्ट रिश्वल हुआ है वो हाँ भरेंगे, और 5.2 में नई मेरिट भरेंगे। 5 में आ जाएगी आपकी पुरानी मेरिट और 5.2 में जैसे ही आप नई मेरिट लिखेंगे तो ये अपडेट होके 5 नंबर में नई अपडेट हो जाएगी। इसके बाद चयन वर्ग है, वो भी आपकी कैटेगरी है SC OBC जनरल, वो भी आपके फॉर्म 10 से अपडेट होगी। 7 नंबर में पिता का नाम, 8 में जन्मदिनांक और 9 में आपके मोबाइल नंबर, कुछ नहीं करना है। 10 नंबर में दे रखा है वर्तमान पद पर कार्यग्रहण की तिथि 18/10/2018 दिखा रखी है। अगर इसके सामने है समय मध्यान्ह पूर्व है तो आपका जो फिक्सेशन है वो 18/10/2018 को होगा। अगर 18/10/2018 को मध्यान्ह पश्चात है तो आपकी जो स्थायीकरण तिथि है वो होगी 19/10/2018, एक दिन का फर्क पड़ता है। उसके बाद 11 नंबर पे जो है आपकी जो सेवाएं हैं अनवरत कार्यरत हैं आप तो हाँ करें। और उसके बाद नियुक्ति आदेश क्रमांक, ये जो नियुक्ति आदेश क्रमांक होता है वो लास्ट आदेश जो होता है आपका पंचायत समिति का या CPO का, तो वो आदेश क्रमांक यहाँ लगाते हैं, यहाँ फिल नहीं होंगे। ये फॉर्म 10 में फिल होंगे और यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। ये आपको नियुक्ति आदेश क्रमांक लगाना था। 13 नंबर में पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि में आप कभी भी एडवांस की डेट नहीं लगा सकते हैं। सितंबर खुल रहा है, जब तक अक्टूबर नहीं आएगा तब तक ये फॉर्म ओपन ही नहीं होगा, यानी कि जब आपकी स्थायीकरण तिथि है तभी ओपन करें। 2 साल पूर्ण हो जाते हैं उसके नेक्स्ट डे फॉर्म फिल होगा। तो इसके बाद है 14 नंबर बिंदु, आपको 2 सालों का रिजल्ट लगाना है आपकी जैसे 2018-19 और 19-20 का, तो आपने यहाँ स्तर दे रखा है 2018-19 करेंगे आप इसको यहाँ, और फिर 19-20 2 साल लगा दीजिएगा। उसके बाद कक्षा 5 से जो भी आपने पढ़ाई है 5, 8, 10, 12 वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद विषय, आपका विषय में समस्या आ रही थी किसी शिक्षक को उस विषय में समस्या आ रही थी तो सोशल साइंस स्पेशल एजुकेशन वगैरह दे रखे हैं, इनमें से एक भर दीजिएगा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं। छात्र संख्या, परीक्षा परिणाम, परीक्षा परिणाम में 2 बातें हैं आपके अभी क्योंकि क्रमोन्नत हो रहे हैं 8वीं और 5वीं, तो फेल कोई होता नहीं है तो 100% लिख सकते हैं। और कुछ एक शिक्षक जैसे 20 बच्चे हैं जिसमें से 4 के D लगी है तो आप इसे 4 के D लग गई तो परिणाम जैसे 4 को फेल मानकर अगर दर्ज करते हैं जैसे 80% है, 75% है, 65% है जो भी, तो भी आप यहाँ आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं है दोनों दृष्टि से, तो कुछ भी भर दीजिए। और इसके पश्चात जो है 15वां बिंदु मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ चुके हैं, 16वां बिंदु आपकी सेवाएं आ चुकी है, कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आएंगे। 17वां बिंदु जो है अवकाश का विवरण तरह है, इसमें आपने अगर इनमें से कोई अवकाश लिया है, आकस्मिक अवकाश लिया है तो 1x1 हम इसे दर्ज करेंगे। इसके अलावा जो भी अवकाश है उसके डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं और साथ में अटैच करने हैं। तो यहाँ आकस्मिक अवकाश की बात करते हैं। अवैतनिक अवकाश जो है आपका तृतीय श्रेणी अध्यापक का DO द्वारा अप्रूव्ड होता है और सेकेंड ग्रेड का जॉइंट डायरेक्टर द्वारा और फर्स्ट ग्रेड का डायरेक्टर द्वारा, जो पहले भी बताया है, तो यहाँ बाकी अवकाश के लिए आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट अटैच कीजिएगा। और आकस्मिक अवकाश है इस पर क्लिक करें। आकस्मिक अवकाश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। तो जैसे प्रथम वर्ष पर क्लिक करते हैं और यहाँ डेट आ चुकी है कब से कब तक, तो यहाँ 1x1 सभी अवकाश आपको 1 साल के दर्ज करने हैं। जैसे आपकी ज्वाइनिंग 28 सितंबर से है तो 29 को अवकाश लिया तो 29 वाला यहाँ करेंगे, और कब तक लिया है आपने जैसे 1 दिन का लिया है तो 29 से 29 तक, और उसके बाद जैसे नवंबर में लिया है तो नवंबर की डेट डालेंगे और 1x1 सेव करते जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ प्रथम वर्ष के अवकाशों की लाइन लग जाएगी, जैसे जितने आपने लिए उसी प्रकार
फिर आप द्वितीय वर्ष के अवकाश वन बाई वन करके 2 साल के टोटल अवकाश यहाँ दर्ज करते हुए सेव करते हुए आप यहाँ नोट कर देंगे। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फॉर्म को अच्छे से चेक करके सेव कर दीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिएगा और इसका जो प्रिंट है प्रिंट निकाल लीजिएगा और प्रिंट पे आपके साइन करने हैं, संस्था प्रधान के साइन करवा के आप इसे पीओ महोदय तक दीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट बताए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप ले लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और इसके बाद यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है तो शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फिक्सेशन संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस डाली गई हैं, अगर कोई सहायता की जरूरत पड़े तो आप वहाँ भी देख लीजिएगा।